धरती पर कई ऐसी जगहें हैं जो बेहद रहस्यमय हैं और इन जगहों से जुड़े रहस्यों का बारे में साइंस के पास भी जवाब नहीं है। इन जगहों से जुड़े रहस्य से पर्दा उठाने की जिसने भी कोशिश की उन्हें या तो निराशा हाथ लगी या इनमें से कई लोगों को तो अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ा। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी रहस्यमय जगहों और चीज़ों के बारे में बताएंगे जिन पर यकीन करना आप लोगों के लिए इतना आसान नहीं होगा। नंबर वन, बटरबॉल। पहले नंबर पर आता है बटरबॉल। बटरबॉल दक्षिण भारत के महाबलीपुरम में भगवान श्री कृष्ण का एक चमत्कारिक पत्थर मौजूद है। ये पत्थर बेहद विशाल का है। इस पत्थर को बटरबॉल के नाम से जाना जाता है। इस पत्थर का वजन करीब 50 टन है। इस बटरबॉल पत्थर की चौड़ाई 5 मीटर है तथा इसकी ऊंचाई 20 फीट है। यह बटरबॉल पत्थर करीब 45 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। इस पत्थर में सबसे हैरानी की बात यह है कि ये पत्थर बिना किसी सहारे के टिका हुआ है। ये पत्थर अपने इस हालात में करीब 1200 सालों से ही। इस बटरबॉल को बहुत सारे लोगों ने हिलाने की कोशिश भी की मगर इसे कोई जरा सा भी नहीं खिसका सका। यहाँ तक कि बड़े बड़े आंधी तूफान और सुनामी तक का इस पत्थर पर कोई असर नहीं होता है। नंबर टू, स्टोन फॉरेस्ट। स्टोन फॉरेस्ट या पत्थर का जंगल यह चीन के यूनान प्रांत में है। इस जंगल की एक खास बात यह है कि यह जंगल पेड़ों की जगह सिर्फ पहाड़ों से बना हुआ है, इसलिए इस जंगल को सिलिन पत्थर वन के नाम से जाना जाता है। 270 वर्ष पुराने यह सिलिन पत्थर वन 349 किमी तक फैला हुआ है। इस वन के पहाड़ी चोटियों की बनावट ऐसी है कि उसे देखने पर ऐसा भ्रम होता है मानो वह पेड़ हो। दरअसल ये कई पत्थरों से बनी होती है, इसलिए इसे देखने पर ऐसा भ्रम होता है। नंबर थ्री, डेथ वैली। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जगह जगह भारी भरकम पत्थर पड़े हुए हैं। यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि यह अदृश्य शक्तियाँ काम करती है। तभी इतने सुनसान मरुस्थल में भी अजीबोगरीब लकीरें लोगों को नजर आती है। उन लकीरों को देखने पर ऐसा लगता है कि मानो वहाँ मौजूद पत्थर चल रहे होते हैं और इनके पीछे लकीर बन जाती है। इन सब बातों में सबसे हैरानी की बात यह है कि इन पत्थरों को घसीटने का कोई निशान नहीं मिलता है। इन पत्थरों को देख कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि भौगोलिक वातावरण के कारण ये पत्थर अपने आप खिसक सकता है। नंबर फोर, नो रिटर्न आइलैंड। पूर्वी अफ्रीका के केन्या के रुडोल्फ लेक के पास बना आइलैंड भी काफ़ी रहस्यमय है। इसे नो रिटर्न आइलैंड कहते हैं। इस आइलैंड के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कई वर्षों पहले इस आइलैंड पर लोग रहा करते थे, लेकिन एक दिन वो लोग सब अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गए और उन लोगों का पता आज तक नहीं चल पाया है। इसलिए इस आइलैंड पर जाने से लोगों को डर लगता है। नंबर फाइव, मिनेसोटा डेविल्स वाटरफॉल। यह रहस्य भी अमेरिका के एक झरने से जुड़ा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका में सुपीरियर जेल के उत्तरी किनारे पर मिनेसोटा जज सी आर मैग्नेसिक पार्क है। इस पार्क में खूबसूरत लेकिन एक मिस्टीरियस वाटरफॉल है जो डेविस कैटल के नाम से जाना जाता है। इस अमेजिंग वाटरफॉल को लेकर यहाँ तरह तरह की चर्चाएं की जाती है। ब्रूल रिवर का पानी इस झरने का स्रोत है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जंगल में झरने का पानी घुमावदार पथरीले चट्टानी रास्तों से नीचे की ओर गिरता है। इस झरने से गिरने वाला पानी कहा जाता है। ये बातें आज तक पता नहीं चल पाया है कि ऊंचाई से गिरने वाला झरने का पानी आखिर जाता कहाँ है। इस जगह पर दो झरने गिरते हैं, लेकिन उन झरनों की पानी की धारा नीचे गड्ढे में जाकर गायब हो जाती है, जबकि दूसरे झरने की पानी की धारा सामान्य तरीके से गिरता है। वैज्ञानिक आज तक इस रहस्य में झरने से गिरने वाले पानी का पता नहीं लगा पाए हैं कि एक जल धारा कहाँ जाती है, इस झरने का छोर कहाँ है। इस झरने के बारे में कुछ लोगों का मानना है कि इस झरने का पानी सीधे पाताल लोक जाता है।